बढ़िया करा है ऐसे तो, बहुत कोई गलत कानून नहीं है, मगर जो बरसों पुराने रह रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी नागरिकता मिलना चाहिए यहाँ पर, इतने समय से रह रहे हैं वो। पड़ोसी देश बांग्लादेश अफगानिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसे वहाँ के पे जो पीड़ित शरणार्थी थे, हिंदू जैन सिख, इनको जो वहाँ से यहाँ आ गए थे उनको इस कानून से नागरिकता मिलेगी। इस हिसाब से कैसा है वो? ये बहुत ज़रूरी था, ये भारत के बाहर जो रहते थे हिंदू सिख जैन जो अपने भाई थे एक तरह से, उन्हें नागरिकता दी गई है भारत में। बहुत पहले से चालू कर देना था पर अभी लगा है तो बहुत अच्छा है। और ये कह सकते हैं कि अपन हमारे पड़ोसी देश में जो थे हिंदू भाई, उन्हें उत्पीड़न जीवन जी रहे थे वो, और उन्हें भारत में आके अपनी नागरिकता मिलेगी और इससे उनको जीवन यापन सही चलेगा। साथ में उनको जो चीज़ों से वंचित थे तो उनको भारत में नागरिकता मिलने से ये उनको अपने देश, अपने प्रेम और जो अपने चाहिए है, उन्हें जो भी सरकारी नौकरियां या सरकारी कार्य या जो यहाँ पर आकर व्यापार व्यवसाय वो कर सकते हैं, दोहरी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, वो भारत देश की नागरिकता के रूप में रहेंगे। प्रकाश स्वर्ण का ना जो कानून लागू किया है इसके तहत सिटी अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून, इसके लागू होने से जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसे वहाँ के पे जो पीड़ित शरणार्थी थे हिंदू जैन सिख, इनको जो वहाँ से यहाँ आ गए थे उनको इस कानून से नागरिकता मिलेगी। इसमें पहले 11 वर्षों का, जो 11 वर्ष से यहाँ रह रहे थे इंडिया में, उनके लिए प्रावधान था, पर अब सरकार ने, मोदी सरकार ने इसमें पहल करते हुए, इसमें संशोधन करते हुए जो 6 वर्ष से यहाँ रह रहे उनको भी इसका लाभ मिलेगा और उसको उनको भारतीयता की नागरिकता मिलेगी। आपके हिसाब से अच्छा है जो ये मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे पीड़ित जो पीड़ित है उनको सभी को लाभ मिलेगा। आपका नाम? भारत सिंह राठौर। बढ़िया करा है ऐसे तो, बहुत कोई गलत कानून नहीं है, मगर जो बरसों पुराने रह रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी नागरिकता मिलना चाहिए यहाँ पर, इतने समय से रह रहे हैं वो, कानून कोई गलत नहीं है। ये थोड़ी छानबीन भी करी जाए इस विषय में कि कौन यहाँ का ही, अपना पर्सन कितना समय हो गया उसको, और उसको नागरिकता दी जाए जो बरसों पुराने रह रहे हैं। विशाल श्रीवास, क्या काम है? मेरा सैलून है संजय नगर में, विशाल एड एसर के नाम से। आपके हिसाब से कैसा है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है देश के लिए और उन भाइयों के लिए जो आज तक नागरिकता, हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए वंचित थे, उनको नागरिकता मिलेगी और उनको अपना अधिकार मिलेगा और देश में उनके लिए सभी चीज़ का मार्ग खुल जाएगा। ऐसे हमारे भाई जो बाहर से आने वाले जिन शरणार्थी के रूप में थे उनको इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। आपके हिसाब से कैसा कानून? बहुत अच्छा कानून है इसके लिए, मतलब अपने हृदय से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम? घनश्याम गौड़।